मैं फोकस कर रहा हूँ क्वालिटेटिव कंटेंट और फिटनेस रिलेटेड कंटेंट जो आपको एक्चुअली में हेल्पफुल हो, जो इन्फॉर्मेटिव हो, जो कि बहुत ही कम परसेंटेज की ऑडियंस है जो एक्चुअली में देखना चाहती है और उसमें इंटरेस्ट रखती है. हर कोई एंटरटेनमेंट देखना चाहता है, बट मैं आप लोगों के लिए जो एक्चुअली में मेरे कंटेंट में इंटरेस्टेड है, जिनको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, जिनको मैं अच्छा लगता हूँ, मैं उनके लिए वीडियोज़ बनाने का ट्राई करता रहूँगा और एक्सपेक्ट करूँगा कि नेक्स्ट टाइम मैं जल्दी वीडियोज़ बनाऊँ, कि आप लोग इतना वेट ना करो और ऐसे क्वेश्चंस ना पूछो. जो लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हैं वो मेरा नीचे इंस्टाग्राम का आईडी होगा, आप उस पे जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. I got this product and as you guessed it right, it's MI band 4, a budget fitness device every woman, boy or a girl should be wearing either on the left wrist or the right one. Anyhow, if your budget is flexible, I would still recommend you to not get this product and go for Fitbits and Apple watches. They are pretty much ahead of this league. So what I'm covering in this video is very important. So highlight points are reviewing MI Fit Band, how to use it efficiently, explaining highlight features and few pros and cons. But that's not it. Amazon पे आपको ये मिल रहा है अराउंड 2200 या 2300 में, बट मैं कैसे आपको इसको 1500 या 1600 में खरीदना है अराउंड 1500 रुपीज में, मैं वो भी आपको बताऊंगा. सो मेक श्योर यू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी, व्हाट्स इन द बॉक्स. You will get a main unit which is MI band 4, which is the most important thing, and the second one is charging cable, and the rest few things are simple manuals and instructions. Let's talk about product overview. Mainly in this category I will be explaining you how actually the interface of MI band 4 looks like and how to use, jo aap actually mein automatically jaan jaoge jab aap ise khareedoge aur use karoge. So it's pretty easy. Next important thing, coming to charging, you just have to put your that band unit on that charging plug very gently and softly. Usko ise daba ke na ragadna nahi hai, ghasitna nahi hai, jo se press nahi karna ki wo andar baith jaye. मुझे भी लगा था कि उसको जोर से प्रेस करना है, बट नहीं, जैसे आपको उसके ऊपर रख के जैसे हल्का सा टैप करना है, दैट्स इट एंड यू आर गुड टू गो. सो नाउ यू गॉट योर बैंड, यू नो हाउ टू चार्ज. सो फर्स्टली ओपन अप योर ब्लूटूथ, इंस्टॉल MI Fit ऐप, पेयर योर डिवाइस विद योर मोबाइल एंड कनेक्टेड यूजिंग ब्लूटूथ. वंस पेयर इट माइट आस्क सम फर्मवेयर अपडेशन, अपडेट इट एंड लेट्स गो टूवर्ड्स इट्स इंटरफेस. हाँ, जब आप फर्स्ट टाइम बैंड को इंस्टॉल करोगे, आप इसको खरीदोगे, ऑन करोगे, तो वो अपडेट मांगेगा, फर्मवेयर अपडेट होगा, उसको अपडेट करो, कनेक्ट करके रखो, दैट्स इट, इट्स इजी. सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट इंटरफेस, हाउ इट लुक्स. सो लेट्स गेट इनटू इट. सो बैंड के सामने आपको जनरली एक स्क्रीन मिलेगी, आइडल स्क्रीन, जो बैंड का डिस्प्ले होगा, जो आप चेंज कर सकते हो. इसको आप जब स्वाइप अप करोगे तो आपको उसमें मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें पहला आएगा स्टेटस. उसको आप फिर स्वाइप अप करोगे, हार्ट रेट, अगेन it will be workout, next is weather, notification, more, and then again back to screen. अब हम एक एक करके इन चीज़ों को पर्टिकुलरली सीखेंगे कि ये है क्या, इसको यूज़ कैसे करते हैं. तो अगर हम पहली बात करें, तो पहला अगर हम स्लाइड अप करेंगे तो हमको स्टेटस मिलेगा. वो आपको ये बताएगा कि नंबर ऑफ स्टेप्स, डिस्टेंस कितना कवर किया, कितनी कैलोरीज बर्न करी, कितने टाइम तक आप बिना हिल डुल एक जगह बैठे थे, तो ये आपको पता चलेगा स्टेटस के अंदर. अगर आप फिर से सेंटर बटन दबाओगे, बैक जाएगा, फिर आप स्लाइड अप करोगे, आपको हार्ट रेट का ऑप्शन मिलेगा. हार्ट रेट में अगर आप देखो तो आपको वो हार्ट रेट दिखाएगा कि कितने बीट्स पर मिनट है, वो शो करेगा. ये जो डायल के पीछे जो दो सेंसर्स लगे हैं, आप जब उसको एक्टिवेट करोगे, जब आप हार्ट रेट पे क्लिक करोगे, तो वो सेंसर लाइट ब्लिंक होना शुरू होंगे और वो एक्चुअली में आपके बीट्स पर मिनट काउंट करेंगे. तो आप वैसे अपनी ऐप के अंदर कॉन्स्टेंट, लाइक हमेशा आपकी हार्ट रेट चेक होते रहे, आप एक्टिवेट कर सकते हो कि वो आपके 24 घंटे हार्ट बीट चेक करता रहेगा, कितने बीट्स पर मिनट आपका हार्ट बीट हो रहा है. पर उससे आपकी बैटरी बहुत कंज्यूम होगी, तो जनरली मैंने उसको ऑफ कर रखा है. उस आप वर्कआउट के वक्त जब आप ट्रैक करोगे, तब वो आपको एक्चुअली में वो कॉन्स्टेंटली चेक करता रहेगा, बट राइट नाउ इट्स ऑफ. सो दैट्स ऑल इन द हार्ट रेट. हार्ट रेट के अगर हम फिर से स्लाइड अप करेंगे तो आपको मिलेगा वर्कआउट, जिसमें आप ट्रैक कर सकते हो क्लिक करने पे, और उसमें ऑप्शंस हैं ऑलमोस्ट 5. पहला है आउटडोर रनिंग, दूसरा है ट्रेडमिल, तीसरा है साइकिलिंग, चौथा है वॉकिंग, पाँचवा एक्सरसाइज, और लास्ट है पूल स्विमिंग.
तो ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी इसके अंदर कि इसमें आप जो वर्कआउट ट्रैक कर रहे हैं आपको फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। पहले के टाइम में जो एम आई फिट बैंड थे उसमें आपको फ़ोन में ट्रैक करना पड़ता था, इसमें इतना अच्छा फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट इस बैंड में वो है कि आप बिना फ़ोन के अपने बैंड को यूज़ करके आप वर्कआउट को ट्रैक कर सकते हो। अगर हम दूसरे फीचर्स की बात करें, जैसे कि हमने स्लाइड अप किया, आपको वर्कआउट मिला, वर्कआउट का वेदर है, वेदर पे आप क्लिक करोगे तो आपको वो आपके करंट लोकेशन का वेदर बताएगा सिंपली कि आज क्या था कल कैसा होगा। सो दैट्स ऑल इन द वेदर थिंग। अगर हम वेदर के बाद दूसरी चीज़ की बात करें तो इट्स नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आप क्लिक करोगे तो आपको जैसे कि व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं या इंस्टाग्राम के मैसेजेस हैं, जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको अपनी घड़ी में शो होगी, बट उसके लिए आपको ऐप में जाके नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, ऐप परमिशन देनी पड़ेगी। वो कैसे करना है, इट्स प्रीटी सिंपल। आपको एम आई फिट ऐप यूज़ करना है, उसमें आपको बैंड के अंदर जाना है और कुछ एप्लीकेशंस को परमिशन देनी है, तो उनमें जब मैसेजेस आएंगे वो आपको इसमें शो होंगे। आफ्टर नोटिफिकेशन इस मोर, मोर के अंदर आपको जैसे कि मिलेगा DND, दैट इज डू नॉट डिस्टर्ब। सेकंड मिलेगा आपको अलार्म, थर्ड है म्यूजिक, चौथा है स्टॉप वॉच, टाइमर, फाइंड डिवाइस, साइलेंट एंड सम अदर बैंड डिस्प्लेज एंड सेटिंग्स। बट अगर हम इसमें मेनली बात करें जो मुझे लाइक डील ब्रेकर लगा हुआ है अलार्म। पहली बात तो इसमें आपको डायरेक्टली आप अलार्म सेट नहीं कर सकते, आप इसमें अलार्म को ऑन और ऑफ कर सकते हो। आपको अपने एम आई फिट बैंड के अंदर उसमें जाके आपको अपने अलार्म सेट करने हैं और आप उसमें जितने भी अपने अलार्म सेट करे होंगे वो आपको आपकी घड़ी में दिखाई देंगे। अगर आप घड़ी में जाके देखोगे अलार्म्स के अंदर तो अलार्म्स में आपको कुछ ऑप्शन शो होंगे जो आपने उसमें फीड करे होंगे। अगर आपने मान लो 9 बजे का और 6 बजे का अलार्म लगाया है तो आप रात को फ़ोन से दूर घड़ी के अंदर ऑन या ऑफ कर सकते हो कि हाँ मेरे को 6 बजे का अलार्म ऑन करना है। घड़ी ऑपरेट करी, ऑन किया, ऑफ किया, इट्स अप टू यू। सो ये एक चीज़ है, बट इसमें हम लोग घड़ी के अंदर अलार्म सेट नहीं कर सकते। अगर आई थिंक घड़ी में यह चीज़ दी होती कि हमने ना वॉच के अंदर अलार्म सेट किया है 5 बजे का और वो ऑटोमेटिकली सिंक हो गया है ब्लूटूथ के थ्रू बैंड के ऐप के लाइक फ़ोन के ऐप के अंदर, वो चीज़ बेनिफिशियल होती। बट एनी हाउ आप अपने ऐप में अलार्म सेट कर सकते हो और इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द एम आई फिट बैंड 4 इंटरफेस। टॉकिंग अबाउट बैटरी लाइफ, ऑन एन एवरेज 20 से 22 दिन चलेगा और अगर आप इसको डेली यूज़ करोगे तो ये 18 से 20 दिन खींच लेगा। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था, हर किसी का अलग अलग हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्रोडक्ट डिटेल्स। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इट्स वेट। इट्स अराउंड 22 grams, वेरी लाइट वेट, और अगर आपने पहना होगा अपने हाथ में तो इट फील्स रियली लाइट। इतना पता नहीं चलता कि तुमने कुछ ना पहना हुआ है और काफ़ी कंफर्टेबल है पहनने में। डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले टाइप इज एमोलेड, स्क्रीन साइज इज 2.5 inches एंड रिजोल्यूशन इज 120x240 RGB। टॉकिंग अबाउट टच स्क्रीन, इट्स कैपेसिटिव एंड रिस्ट स्ट्रैप मटेरियल एंड लेंथ इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीइथेन एंड 155 to 216 mm रिस्पेक्टिवली। वी गॉट सम फ्यू सेंसर इन दिस, 3-axis accelerometer plus 3-axis gyroscope. Coming to battery size is 135 mAh with charging time less than 2 hours. 2 ghante ke andar andar pura aapka device charge ho jata hai. And it gives around 20 days. As I have already mentioned ki 20 din ka standby time hai, but aap isko consistently use karo to 18 din aaram se ye kheench leta hai. ऑन अ शॉर्ट नॉट इफ यू टॉक अबाउट इट्स हाईलाइट फीचर्स, तो मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर आप डायरेक्टली वर्कआउट ट्रैक कर सकते हो। मोर ओवर इसमें आप अलार्म डायरेक्टली ऑन ऑफ कर सकते हो। थर्ड थिंग इज कि आप इसके अंदर हार्ट बीट चेक कर सकते हो। फोर्थ वन इज कि ये वाटर प्रूफ है, आप इसको यू नो स्वेट हो रहा है या बारिश में आप वर्कआउट कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज ब्राइटनेस कंट्रोल, आप इसके अंदर क्लिक करके ब्राइटनेस को सेट भी कर सकते हो। ब्राइटनेस को आप स्केड्यूल भी कर सकते हो कि 9 बजे रात के बाद ब्राइटनेस कम हो जाए। इन शॉर्ट बैटरी सेविंग्स टेक्निक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नोटिफिकेशन, कॉल अलर्ट्स, वेदर रिपोर्ट्स एंड सम गुड बैंड डिस्प्ले। सो ये सारे फीचर्स थे, मेन फीचर्स थे जो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। सो प्रीटी मच 2000 के अराउंड आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल रहे हैं और एज कम्पेयर टू अदर बैंड आई थिंक बजट बैंड के अंदर ये बहुत ही अच्छा बैंड है। सो नाउ विद ऑल दिस टॉपिक्स कवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स। आई विल से समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कोई चीज़ होना आपको बहुत ही मोटिवेट करता है। नए शूज़ लेना मोटिवेट करता है, नए कपड़े लेना मोटिवेट करता है, वर्कआउट्स के क्लोथ लेके आना आपको जिम जाने पे फोर्स करेगा, इवन तो आपका मन नहीं है। तो कोई भी चीज़ नहीं लेना फिटनेस ओरिएंटेड डेफिनेटली गोइंग टू मोटिवेट यू एंड पुश यू इवन। सो बाइंग गैजेट्स
or receiving gadgets as a gift obviously motivates a person to do something better. Talking about cons, disadvantages kya hai is band ke, to main aapko bataunga ki thoda sa aapko door se screen mein dikhega ki haan thoda sa difference hai center mein jahan pe display hota hai, jahan pe special characters jahan pe aate hain orange color mein, wahan pe aapko dikhega ki unhone LCD fit kar rakha hai. To uski wajah se aapko band mein do color ke variation dikhenge, ek to hoga dark black aur ek halka sa tint color ka aapko dikhega. But I mean it's not a matlab itna problematic nahi hai. It's good, मतलब दिखने में थोड़ा सा awkward है but इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको आपका main focus अगर आप workout पे है, you know, fitness पे है, तो I think ये चीज़ आपको इतनी matter नहीं करेगी. But still, I would say it doesn't look cheap and yet promises accurate readings. मैंने इसको buy किया है AliExpress से. मैं नीचे description box में link mention कर दूँगा Amazon की भी, AliExpress की. AliExpress में आपको ये 1500 में मिल जाएगा आराम से. So that's all in this video. If you found this video helpful, make sure to hit like, subscribe if you are not, and comment it down. Kuch comment karo ki aapko is video se kya acha laga. So that's all the video guys. I will see you next Saturday 8 p.m. Till then, bye bye.